इस वीडियो में मैं Redmi 5A और Tenor D स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूं। दोनों ही हैंडसेट्स का रिव्यू मैंने कर दिया है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये दोनों हैंडसेट्स का हार्डवेयर भी सेम है और प्राइसिंग भी सेम है, तो सवाल ये उठता है कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे, देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और मैं Redmi 5A और Tenor D में जो खास अंतर है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और इस अंतर से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि आपको Redmi 5A के लिए जाना है या फिर Tenor D के लिए जाना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो Redmi 5A में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो Tenor D में हैं। बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की बात करें तो दोनों ही हैंडसेट्स का बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है और इसका प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है, 4,999 रुपये। Tenor D में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर Redmi 5A में मिसिंग है, लेकिन Redmi 5A में आपको इंफ्रारेड ब्लास्टर मिलता है, मतलब कि Redmi 5A को आप एज अ रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फीचर Tenor D में मिसिंग है। अब स्क्रीन में भी डिफरेंस है, Tenor D में आपको मिलता है 5.2 इंच का स्क्रीन 720p रेजोल्यूशन के साथ में और Redmi 5A में आपको मिलता है 5 इंच का स्क्रीन 720p रेजोल्यूशन के साथ में। स्क्रीन की क्वालिटी मुझे Redmi 5A पर बेहतर लगी, जैसा कि आप देख सकते हैं Tenor D पर ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स हैं और Redmi 5A पर आपको डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं। Redmi 5A में आपको MIUI 9 मिलता है जिसे आप बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये UI आपको अलग ही यूज़र एक्सपीरियंस देगा। इस हैंडसेट में लाइट सेंसर है और आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को एनेबल कर सकते हैं। और अब देखते हैं Tenor D में, Tenor D जो है इसमें स्टॉक एंड्रॉयड है जिसे आप ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। और सेंसर्स की अगर बात करें, स्पेशली जो लाइट सेंसर है वो लाइट सेंसर इस हैंडसेट पर मिसिंग है, मतलब कि अगर आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है तो आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑप्शन इसमें नहीं है। अगर आपने मेरा Tenor D का पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि ये हैंडसेट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, लेकिन इस हैंडसेट में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। मैंने इस हैंडसेट को रिसेट किया था, उसके बाद में प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करना शुरू हो गया। ये देखिए काम कर रहा है, तो Tenor D में प्रॉक्सिमिटी सेंसर है लेकिन लाइट सेंसर नहीं है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है कि Tenor D में ये सेंसर है। मल्टीटच की अगर बात करें तो Redmi 5A पर आपको मिलता है 10 पॉइंट मल्टीटच और Tenor D पर है सिर्फ 2 पॉइंट मल्टीटच। वैसे 2 पॉइंट मल्टीटच से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, लेकिन जितना ज़्यादा मल्टीटच होगा उतना बेहतर होगा, स्पेशली जब आप कोई ऐसा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा मल्टीटच की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जितने भी प्रीमियम स्मार्टफोन्स होते हैं, महंगे वाले स्मार्टफोन्स, उसमें 10 पॉइंट मल्टीटच तो आता ही है और Redmi 5A 4,999 रुपये में आपको 10 पॉइंट मल्टीटच दे रहा है। साइज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, Redmi 5A छोटा स्मार्टफोन है। अगर मैं इसे साइड बाय साइड इस तरीके से रख दूँ तो यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि Tenor D थोड़ा सा लंबा है। अब Redmi 5A में 3000 mAh की बैटरी है और Tenor D में आपको मिलता है 3550 mAh की बैटरी। थिकनेस दोनों का तकरीबन सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन Redmi 5A को अगर आप ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा छोटा लगता है Tenor D के कंपैरिजन में। दोनों ही हैंडसेट्स में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो कैमरा क्वालिटी है वो एवरेज है, लेकिन जो Redmi 5A है उसका जो क्वालिटी है कैमरे की वो थोड़ा सा बेहतर है। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो दोनों ही हैंडसेट्स का बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको Tenor D पे थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। Redmi 5A पर जायरो सेंसर नहीं है, लेकिन आपको Tenor D पर जायरो सेंसर मिल जाएगा। ये जो जायरो सेंसर है इसका इस्तेमाल VR एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा हैंडसेट के लिए जाना है। वैसे Redmi 5A एक बेहतर ऑप्शन है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो Tenor D से बेहतर है। फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर Tenor कंपनी ने Tenor D में ऐड करके काफ़ी जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें काफ़ी कटौती करती है। लेकिन एक चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि Tenor कंपनी ने बहुत ही अच्छा हैंडसेट लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छे प्राइस टैग के साथ में, जो Redmi 5A से तो बेहतर नहीं है लेकिन Redmi 5A को कड़ी टक्कर दे रहा है। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ही हैंडसेट्स में क्या क्या अंतर है और इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा हैंडसेट खरीदना चाहिए।